फागुन शुक्ल की चंद्र दूष पर आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को पांच स्वरूप में दर्शन। यहाँ बाबा को मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव, घटा टोप एवं होलकर रूप में सजाया गया। वर्ष में केवल आज के दिन ही बाबा को पंच स्वरूप में श्रृंगारित किया जाता है। यहाँ महाकाल को पंच मुखौटे धारण कराकर सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया। बाबा के इस स्वरूप के साथ ही उज्जैन में विगत कई दिनों से मनाए जा रहे शिव नवरात्रि पर्व का भी समापन होगा। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने शिव नवरात्रि और महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन नहीं किए हों, वह आज दर्शन करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट ये पूरी पूरे पूरी हमने पूरा नहीं एक मिनट हां पूरा महाशिवरात्रि पर्व काल का सबको मनोकामना पूर्ण हो, सबको भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि पर्व पे तो 9 दिन तक जो झांकी बनी है वो आज दूज के दिन इकट्ठी होती है। 9 दिन तक जिन्होंने भी भक्तों ने दर्शन नहीं करे वो आज के दिन दर्शन करने से, आज के दिन ओम नमः शिवाय का बोलने से वही पुण्य की फल प्राप्ति होती है। जिस प्रकार ओम नमः शिवाय में 5 मंत्र है, 5 शब्द है, उसी प्रकार 5 मुखौटे की झांकी है। भगवान महाकालेश्वर का ये नवरात्रि का इकट्ठा पूजा 5 मुखौटे की झांकी साल में 1 ही बार होती है। अभी वर्तमान में जो झांकी चल रही है, उमा महेश्वर है, शिव तांडव है, मन महेश्वर है, आदि जितने 5 मुखौटे की झांकी नवरात्रि में जो इकट्ठी अलग अलग हुई है वो आज इकट्ठे दर्शन हो रहे हैं। और हर साल दूध के दो जी भगवान महाकालेश्वर सबको दर्शन देते हैं और सब भक्त कल्याण करते हैं और सब भक्तों का कल्याण महाकालेश्वर करते हैं। महाशिवरात्रि नवरात्रि की सबको शुभकामना, जय महाकाल। जिस प्रकार 5 तत्व है, ओम नमः शिवाय 5 मंत्र है, उसी प्रकार 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं। इसी तारतम्य में आज महाशिवरात्रि का समापन पे 5 मुखौटे की झांकी भगवान महाकालेश्वर में हुई है। जय महाकाल, जय महाकाल। उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र में 2 सप्ताह पहले शिप्रा नदी में विस्फोट के मामले सामने आए थे। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। जिला कलेक्टर ने ONGC की टीम को जांच के लिए पत्र लिखा था। रविवार को ONGC की 2 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू की। यह जांच दल देहरादून से आया है। यह जांच दल के साथ उज्जैन PHE विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। जांच टीम द्वारा नदी से पानी, मिट्टी और अन्य ठोस सामग्री के सैंपल लिए गए। इन सैंपलों की जांच देहरादून लैबोरेटरी में होगी, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर आएगी। यहां बता दें कि पूर्व में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी जांच कर चुकी है, परंतु विस्फोट के कारणों का पता नहीं लग पाया है। यहाँ हम 2 सदस्य आए हैं यहाँ पर, और हमको जिला प्रशासन से सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ विस्फोट वगैरह हुए हैं। तो वो क्यों हुए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सैंपल लेने आए हैं। अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अभी पहले इन सैंपल्स की जांच होगी। काहे काहे के सैंपल लिए सर? हमने मिट्टी और पानी के सैंपल लिए हैं जी। कहाँ जाँच होगी इसकी? इसकी देहरादून में जाँच होगी, हमारे लैब है वहाँ पर। कितने दिन में रिपोर्ट आ सकती है? संभवतः 15 दिन। सर कितने सैंपल लिए गए हैं? अभी 7-8 सैंपल लिए हैं हमने, जो जहाँ पे विस्फोट हुए हैं उसके आसपास के लिए हैं, कुछ थोड़ा नीचे के लिए हैं। अभी इतने सैंपल। सर, GSI की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने मीथेन और इथेन गैस की संभावना इसमें जताई है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई गैस यहाँ पर हो सकती है? ऐसा है, मेरे पास GSI की रिपोर्ट नहीं है तो मैं इसको कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर लेकिन प्राथमिक रूप से चूंकि यहाँ पे बेसाल्ट का माना जाता है कि बेसाल्ट यहाँ पर है, तो ऐसे में कई जगह आपने भी इससे पहले भी कई जगह आपने किया होगा। जैसे ऐसा है, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं इस संबंध में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। प्राथमिक रूप से कुछ दिख रहा है क्या? अब ये तो सब बिना जांच के कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सर इस तरह की जांच पहले भी आपने कई अलग अलग जगह की होगी, वहाँ का कुछ मिलने कहीं पर जैसे गैस वगैरह के सरफेस पे तो हमको मिली है, गैस कलेक्ट करके लेके, यहाँ तो गैस दिख नहीं रही हमें कहीं भी, एक बुलबुला हमें नहीं दिखा कहीं, तो गैस तो कलेक्ट हम नहीं कर पाए। लेकिन पानी और मिट्टी की हम सैंपल लिए हैं,
अब देखते हैं वहाँ जाके इनकी जांच होगी, जांच में ही पता चलेगा, ऐसे तो कुछ बता पाना मुश्किल है। क्या नाम सर? नाम और पद क्या है? आज उज्जैन में एनसीसी 10 एमपी बटालियन में बी सर्टिफिकेट की प्रैक्टिकल कंडक्ट किया गया। यह एग्जाम 2 दिन तक चलेगी, जिसमें 13 मार्च को प्रैक्टिकल एवं 14 मार्च को रिटर्न एग्जाम होगी। 228 छात्र सैनिक ने आज हिस्सा लिया। उज्जैन के 2 बटालियन के छात्र सैनिक यहाँ पर हैं, 2 एमपी एवं 10 एमपी बटालियन, जिनके प्रैक्टिकल एवं एग्जाम 14 तारीख रविवार को ली जाएगी, जिसमें रतलाम से आए कमांडेंट ऑफिसर ने परीक्षण किया है। बताया है कि बी और सी सर्टिफिकेट से बच्चे को आर्मी, पुलिस और बहुत सी सरकारी परीक्षाओं में फायदा। ये आज एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पे 228 बच्चे आए हैं और बाकी कुछ बच्चे जो बचे हुए हैं वो कल आएंगे, तो कल रिटर्न एग्जाम भी होगा और कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे जो उज्जैन में 2 बटालियन हैं, उन दोनों के जो सब बच्चे जो एलिजिबल हैं, इन्होंने कैंप किया है बी सर्टिफिकेट के लिए। हम यहाँ बाहर से बोर्ड ऑफ ऑफिसर आए, मैं कमांडिंग ऑफिसर 21 बटालियन एनसीसी रतलाम से आया हूँ। उज्जैन में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। रविवार से उज्जैन की सड़कों पर बिना मास्क पहनकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ स्टॉप फाइन की कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग स्टॉप फाइन नहीं देंगे उन्हें दिन भर के लिए अस्थायी जेल भेज दिया जाएगा। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने रविवार को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मीडिया से चर्चा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूकता रहने की ज़रूरत है। ऐसे में रविवार से फिर प्रशासन नया अभियान चलाते हुए मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। एडीएम के अनुसार स्टॉप फाइन की कार्रवाई होगी, इसके साथ ही लोगों को अस्थायी जेल भी पहुंचाया जाएगा। सर, इसको अगर ढीला हो जाए तो बस ऐसे खोल देंगे आप? बड़ा मुश्किल है, इंजेक्शन लगाने में बड़ा डर लगता है मेरे को। तो उस पे बोतल तो होगा ना पूरा। क्या हो गया? डॉक्टर साहब इनको कहे कर दिया है, मैं बताऊंगा वही लगाना बाकी ठीक ठाक है। कोरोना का जो प्रकोप धीरे से बढ़ रहा है उसको नियंत्रित बनाए रखने की दृष्टि से उज्जैन जिले का जो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना हुआ है उसको निरंतर बनाए रखने की दृष्टि से हम लोगों ने व्यक्ति को मास्क नहीं पहनेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का वापस निर्णय लिया है। और इस संबंध में शहर के विभिन्न 5-7 स्थानों पर हमारी टीम रहेगी, जो मौके पर मास्क धारण न करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई करेगी। 200 रुपये का स्पॉट फाइन इसमें लगाया जाएगा, और जो व्यक्ति स्पॉट फाइन नहीं भरता है या कोई दूसरी विरोध करता है तो उसके लिए हमने अस्थायी जेल का प्रावधान भी किया है और उनको दिन भर के लिए अस्थायी जेल में रखा जाए। देखिए, मास्क तो सब हर जगह अवेलेबल है और अस्पताल वगैरह में उपलब्ध है, वहाँ से ले सकते हैं, और हम लोग साथ में हमारे मास्क वालों को भी रखने का प्रयास करेंगे ताकि उनको वहाँ पे खरीद के हमें मास्क भी दिया जाए। ट्रेंड मिला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो कोरोना की दर थी उसमें लगातार थोड़ा इजाफा कहीं ना कहीं हुआ है, उसको लेकर के एक मीटिंग जॉइंट संयुक्त रूप से मीटिंग की गई है और इसमें एक रणनीति तय की गई है जिसमें ये अभियान से चलाया जाएगा। उसमें पुलिस प्रशासन नगर निगम की जो जॉइंट टीम बनाई गई है वो पूरे शहर में
ऐसी जगहों पर जो चिन्हित स्थान किए गए जहाँ पर अधिकतम लोगों को चेक किया जा सके, और उसमें न केवल ये जो मास्क के लिए बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए के जो पब्लिक अवेयरनेस भी चलाई जाएगी, जो वायलेटर्स हैं जिनके द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पर, उनके नहीं पहना जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पर, उनके विरुद्ध शुरू होगी।